कम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के आर्ट हिंदी इंग्लिश में। तो इसका जो थीप्स स्टोरी है, इसका पहला पार्ट हमने पहले से अपलोड कर दिया है। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, यानी बची हुई कहानी की। जहां तक हमारी कहानी हो चुकी थी, उसके आगे चलते हैं और इस कहानी को कंप्लीट करते हैं। चलिए देखते हैं। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. When I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा, I did not stop at the ticket office. मैं टिकट जो जहां पे मिलता है वहां पे नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life. मैंने जीवन में कभी भी टिकट बॉट नहीं की। बॉट का मतलब खरीदा नहीं था, नहीं खरीदा था। But dashed straight टू द प्लेटफॉर्म, में सीधे जाकर प्लेटफॉर्म पहुंचा। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस में धीरे धीरे चल चुकी थी भाई, धीरे धीरे चल चुकी थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरेज। इतनी तेज चल रही थी कि मैं आसानी से जंप करके किसी भी कैरेज, कैरेज मतलब डब्बा, ट्रेन का डब्बा होता ना उसको बोलते कैरेज, तो कैरेज में आसानी से घुस सकता था। बट आई हेजिटेट, लेकिन मैं हिचकिचाया फॉर सम रीजन, पता नहीं क्या कांड था। आई कांट एक्सप्लेन, मैं इस बात को व्याख्या नहीं कर सकता। एक्सप्लेन का मतलब व्याख्या नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और जाने का जो अवसर था वो मैंने खो दिया। चलिए देखते हैं नीचे वाला भाग इसका। When the train had gone, जब ट्रेन चले गए, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted का मतलब निर्जन, जहाँ पर कोई हो ना। मैंने कहा when I found, मैंने अपने आप को पाया, myself standing माने खड़ा हुआ, alone on the deserted platform, उस खाली स्थान पर, खाली प्लेटफॉर्म, यानी उस ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म उस पर खाली अपने आप को अकेला पाया। I had no idea, मेरे पास कोई विचार नहीं था। वेयर टू स्पेंड द नाइट, रात्रि कहाँ गुजारें। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे पास कोई मित्र नहीं था। बिलीविंग दैट, मैं इस बात पर विश्वास करता दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, मित्र जो होते हैं वो तकलीफ ज़्यादा देते हैं और मदद कम करते हैं। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन। मैं किसी भी स्टेशन के नज़दीक होटल में रुकना नहीं चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू, मैं एक ही व्यक्ति को जानता था, आई न्यू रियली वेल, जिसे मैं अच्छी तरीके जानता था, वॉज द मैन आई हैड रोब्ड। वो वही व्यक्ति था जिसको मैंने रोब्ड कर लिया, यानी चोरी कर ली जिसके साथ। लीविंग द स्टेशन, स्टेशन छोड़ते समय आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार, में बाजार से धीरे धीरे चल रहा था। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीप, चोरी के इस छोटे से जीवन में आई हैड मेड अ स्टडी, मैंने इस बात को स्टडी कर चुका था, मैं अनुभव कर चुका था। द मैंस फेसेस, व्यक्तियों के चेहरों को। वेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब व्यक्ति अपने आप के चीज़ों को खो देता है। अ ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची व्यक्ति होता है वो भय दिखाता है। रिच मैन शोड एंगर, जो पैसे वाला व्यक्ति होता है वो गुस्सा दिखाता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं स्थितियों को। बट आई न्यू अनिल्स फेस, मैं अनिल के चेहरे को अच्छी तरीके से जानता था। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसे चोरी का पता लगेगा, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, उसके चेहरे पर थोड़ी सी दुख होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे का नहीं, बट फॉर हिज लॉस ऑफ ट्रस्ट, विश्वास का उसके ऊपर जो धोखा का जो असर होगा वो दिखाई देगा। ठीक है। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन द बेंच, मैंने अपने आप को एक मैदान में पाया और मैं एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात बहुत ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर का शुरुआती महीना था। एंड अ लाइट ड्रिजल डॉटेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और हल्की हल्की बूंदाबांदी जिस वो स्टार्ट हो चुकी थी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवनली, जो आगे चलकर तेज बारिश का रूप ले लेती है। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन, मेरा शर्ट और मेरा पैजामा मेरी स्किन से चिपक गया था। एंड आई कोल्ड एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और जो ठंडी हवा थी वो मेरे चेहरे पर क्या कर रही थी, ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, मेरे चेहरे पर बहुत तेज तेज से लग रही थी, यानी थपेड़े मार रही थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ ए क्लॉक टावर,
मैंने क्या किया, आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं बाजार वापस गया, सेट डाउन बैठ गया, द शेल्टर का मतलब छाया में, ऑफ द क्लॉक टावर, क्लॉक टावर की छाया में बैठ गया, द क्लॉक शोड मिडनाइट, जो क्लॉक थी वो बता रही थी कि रात के आधी रात हो चुकी है, यानी 12 बज चुके हैं, आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मुझे नोट्स का एहसास हुआ, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, जो बारिश के कारण डैम्प हो चुके थे, डैम्प का मतलब गीले हो चुके थे, अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग, अनिल का पैसा सुबह, ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, संभवतः अगर मैं सुबह उठता उसके साथ तो वो 2-3 rupees मुझे दे देता, कहाँ के लिए, सिनेमा देखने के लिए, बट नाउ आई हैड इट ऑल, बट अब मेरे पास ये सारा कुछ है, आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, मैं उसका खाना नहीं पकाऊंगा, रन टू द बाजार, बाजार नहीं जाना पड़ेगा, और लर्न द राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, अब आगे हमको सेंटेंस यानी जो वो मुझे सिखाना चाहता था बोलना लिखना पढ़ना उसकी भी अब ज़रूरत नहीं है, आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थिप, चोरी करने के चक्कर में इन सारी चीज़ों को मैं फॉरगेटन हो गया यानी मैं भूल गया, भूल चुका था, होल सेंटेंसेज आई न्यू, पूरे सेंटेंसेस को अगर मैं जान जाता, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 rupees, वन डे यानी एक दिन ऐसा होता अगर मैं पूरे सेंटेंस सीख जाता तो एक दिन ऐसा आता कि मैं बहुत सारे सैकड़ों रुपये कमा सकता था, ठीक है, आई वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड सम टाइम जस्ट एज, इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड सम टाइम जस्ट एज, आगे देखते हैं जस्ट एज के बाद, सिंपल टू बी caught but to be a really big man, a clever and respected man was sometimes else, I should go back to Anil and told myself if only to learn to read and write, वो कहते it was simple to meet a steal and sometimes just as, वो कहते नहीं थोड़े समय के लिए जो होता है ना, थोड़े समय के लिए एक सचमुच महान व्यक्ति जो है वो क्या करता है, चतुरता के लिए हम एकदम महानता को नहीं छोड़ सकते ना, सम्मान को नहीं छोड़ सकते, अब वो सोचता है कि मैं अब अनिल के पास वापस जाऊं और वापस जा करके उसके पास लर्न यानी पढ़ना, रीड लर्न सीखना, पढ़ना और लिखना मैं आसानी से सीख जाऊं, इसके आगे देखिए क्या है कहानी में, आगे देखते हैं, आई हरेड बैक टू द रूम फीलिंग एवरी नर्वस, मैं जल्दी से कमरे में वापस गया, फॉर इट इज मच ईजियर टू स्टील समथिंग, ये बहुत ईजी होता है किसी चीज़ को चुराना, देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, बिना किसी को बताए उस चीज़ को वापस रखना, आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने चुपके से दरवाज़ा खोला, देन स्टूड इन द डोर वे, मैं दरवाजे पे खड़ा हो गया, इन द क्लाउडेड मिडनाइट्स, उस बादल वाली रात में, अनिल वाज स्टिल स्लीप, अनिल फिर भी सो रहा था, आई क्रिप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं चुपके से क्रिप्ट का मतलब रिंग करके कहाँ पहुँचा, जो बेड थी उसके सिरहाने पर, एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, जो पैसों के साथ हाथ मेरा नोट्स किया, आई फेल्ट हिज ब्रेथ, मैं उसकी सांसों को महसूस कर सकता था, ऑन माई हैंड अपने हाथों पर, आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं वो ऐसी स्थिति में मिनट एक मिनट तक रुका रहा, देन माई हैंड फाउंड दैट ईज ऑफ द मैट्रेस, तब मुझे उस गद्दे का कोना मिल गया, एंड स्लीप्ड अंडर इट विद द नोट्स, मैंने उन पैसों को धीरे से अंदर बढ़ा दिया, आई वॉक अप लेट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, आई अबॉक लेट इन द मॉर्निंग, मैं सुबह देर में उठा, आई फाउंड मैंने पाया कि अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अनिल पहले से क्या बना चुका था, चाय बना चुका था, ही स्ट्रेस्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, उसने हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, देर वॉज अ 50 rupee नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों के बीच में 50 का नोट था, माई हार्ट सेंक, मेरा हृदय जो था वो डर गया, किस बात का, आई थॉट मैंने विचार किया, आई हैड बीन डिस्कवर्ड, लगता है मेरी चोरी पकड़ी गई, डिस्कवर्ड हो गया, आई मेड सम मनी यस्टरडे, उसने मुझसे कहा कि मैंने कुछ पैसा कल कमाया है, ही एक्सप्लेन्ड, उसने बताया, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुमको पैसे प्रतिदिन मिलेंगे, अनिल ने मुझसे कहा कि भैया पैसे तुमको प्रतिदिन मिलेंगे, हरी सिंह सोच रहा है कि भैया चोरी करके गलत किया मैंने, माय स्पिरिट्स रोज, मेरे अंदर की जो हौसला था वो बढ़ गया, बट व्हेन आई टुक द नोट, जब मैंने नोट लिया, आई सा इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन, वह तब भी गीला हुआ था, क्यों, क्योंकि रात्रि की वर्षा में वो भीगा था, तो मैंने नोट को महसूस किया कि वो गीला है,
टुडे आई विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस ही सेड, उसने कहा आज से हम लोग क्या करेंगे सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे, इस बात को अनिल ने कहा। आई न्यू, मैं जानता था, बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज सॉड एनी थिंग, ही न्यू, वो जानता था, क्या जानता था, बट नीदर हिज लिप्स, ना ही उसके होठ ना ही उसकी आंखें शोज मैंने दिखाए एनी थिंग, मैंने कुछ भी, वो जानता था कि चोरी हुई है। आई स्माइल्ड, मैंने मुस्कुराया एट द अनिल्स एट अनिल अनिल के सामने इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, वही मेरा प्यारा सा चेहरे की तरह, एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और जो मेरी स्माइल आई थी वो इस बार बनाई हुई नहीं थी, अपने आप आई थी। ठीक है, तो ये थी स्टोरी द थीप स्टोरी सप्लीमेंट्री रीडर, जो आपकी स्टोरी है, जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट आपकी जो बुक है उसका ये चैप्टर नंबर 2 है, इसको हमने एक्सप्लेन किया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ग्रामर सीखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और ग्रामर के बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप वहाँ से ग्रामर को इम्प्रूव कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।